नमस्कार, आप सबका वंदना की आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम कलमकारी का पिकॉक मोर बनाने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो हमें सामान चाहिए, एक स्केल, व्हाइट पेंट, ब्लैक पेंट, पेंसिल, 000 नंबर ब्रश, इरेजर, और कलर्स फिर हम चूज करते रहेंगे जैसे कि जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है हमारा, ये मेरी A4 साइज शीट है। इस A4 साइज शीट पर मैं सबसे पहले बॉर्डर छोड़ूंगी करीब करीब 1 सेंटीमीटर। वो इसलिए कि फ्रेम के अंदर जब कोई चीज जाती है तो उसके लिए भी हमें जगह चाहिए होती है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर सब तरफ छोड़ के और उसको फिर हम फ्रेमिंग के लिए छोड़ देंगे। तो आपके स्केल में कुछ भी निशान बनाओ, रफली आप 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए। तो पहले सबसे पहला काम है 1 सेंटीमीटर की हम लाइन बनाएंगे चारों तरफ। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन तैयार है। अब इसके बाद हमें असली बॉर्डर बनाना है। तो हम असली बॉर्डर के लिए करीब 2 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं। तो अगली लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर की होगी और एक जगह नहीं, हम कई जगह मार्किंग करेंगे ताकि हमारा बॉर्डर सही आए। तो ये मैंने जैसे 4 जगह मार्किंग कर ली। अब 4 जगह मार्किंग करने में ये है कि मेरे को पता है कि लाइन इन चारों पॉइंट्स को मिला के ही ज्वाइन करनी है मुझे। अब अगला जो है, फिर से मैं इस डायरेक्शन में 4 जगह मार्किंग करूंगी। पहली मार्किंग ये है, फिर अभी ज्यादा डॉट बनाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि फिर हमें बाद में गड़बड़ ना हो जाए हमारी। ये हमारा बॉर्डर के लिए जगह तैयार हो गई है। तो हमारा पेज ऐसा लगेगा देखने में। अब हमने जो बॉर्डर का डिजाइन सेलेक्ट करा है उसमें थोड़ा सा कर्व है। तो कर्व के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 0 से शुरू कर रहे हैं। 2 पर हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, फिर हम नीचे 4 पे लाए, फिर हम यहाँ लाए, ऐसे अल्टरनेट हम ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। ये बन गया हमारा बॉर्डर। ओके, तो ये बॉर्डर का डिजाइन हो गया। सेम डिजाइन हम सारे में कंटिन्यू करेंगे। मैं इससे पहले कि मैं नीचे का बनाऊं, मैं आपको बॉर्डर में कलर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर नीचे जब हम आएंगे ना तो कलर ऊपर से लगेगा नहीं। तो ये ब्लैक कलर है और ये देखिए कैसे कलर करेंगे हम इसे। आपका हाथ अगर सेट नहीं है ब्रश पे तो आप कोई अच्छा वाटरप्रूफ पेन ले लीजिए और उससे करिए। स्टेडलर के पेन के रिजल्ट से मैं तो बहुत खुश हूँ। और जब ये सूख जाएगा तो हम ये पेंसिल के मार्क्स मिटा देंगे। आप चाहें तो इसमें कलर भरिए, चाहें तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही छोड़ सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जहाँ डिजाइन है वो जगह में आप कलर भरें और बाकी जगह को आप खाली छोड़ दें, या उल्टा कर दें, जहाँ डिजाइन नहीं है वहां कलर भरें और बाकी जगह को आप खाली ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ दें। ये सब आपकी अपनी इच्छा है। अब ये जो कॉर्नर की जगह बची है ना हमारी, इसमें हम एक फूल का डिजाइन दे देंगे। मैं जरा इसके सूखने का वेट करूंगी तब मैं फूल बनाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है ये इतना समझ में आया होगा। अगर हम इसमें रंग भरना चाहते हैं तो एक हम अपने मन में ना कलर थीम बना लेंगे कि क्या कलर थीम हमें रखनी है। सब कुछ नीले रंग का रखना है मोर से कनेक्टेड, या फिर हमें नीला और लाल थीम रखनी है, या नीला और हरा थीम रखनी है। जो भी हमारी कलर थीम होगी हम उस हिसाब से चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें हरा और ऑरेंज की थीम ले रही हूँ, या हरा और लाल ले सकती हूँ। खाली ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो खाली ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ दीजिए। इसके संग मैं दूसरा कलर जो लेने जा रही हूँ वो रेड है। रेड, येलो, जो आप चाहें वो लीजिए। ये रेड है, ये फेबियो का रेड है, पर फेविक्रिल की बॉटल में भरा हुआ है।
क्योंकि पैलेट में कलर्स निकालते थे पहले हम, तो कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते थे। तो मैंने अब ये बॉटल्स संभाल के रखनी शुरू कर दी हैं, और मैं कलर्स बड़ी बॉटल्स से, मैं क्योंकि लिटर्स में लेती हूँ पेंट्स, तो फिर मैं इसमें निकाल लेती हूँ, तो इसमें सूखते नहीं है मेरे पेंट्स। अब अगर आपको लगे कि ब्लैक, ये रेड ब्लैक कलर हल्का दिख रहा है, तो इस पे एक बार और, जब ये सब सूख जाएगा तब एक बार और आप ब्लैक से कोटिंग कर दीजिएगा। और अभी याद रहे हम सबको कि हमें ये पेंसिल के मार्क्स मिटाने हैं। तो इतना हमारा बॉर्डर का काम हो गया है अभी, और बाकी फिर ये इतना सूख जाएगा ना तब हम बनाएंगे। तो अभी हम जो मोर का डिजाइन बनाने जा रहे हैं वो हम नीचे से शुरू करने वाले हैं, ओके। और जो खाली जगह बचेगी उसको हम प्लेन डिजाइन दे सकते हैं, या फिर हम उसमें फूल पत्ती वगैरह बना सकते हैं। तो ये आई थिंक बॉर्डर सबको दिख रहा है अभी। मैंने इंस्टाग्राम पे और भी कई मोर बना के डाले हैं, पहले भी डाले थे और अभी भी डाला है, एक और मोर डाला है लाल रंग की बैकग्राउंड में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर वो अच्छा लगे आपको तो आप उसे बना लीजिए। इसको जरा पिन अप कर लेते हैं। अब हमारा हम मोर का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो ये मोर थोड़ा हमारा ऐसे शेप में है। मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और मोर की बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सभी सभ्यताओं में मोर को बहुत ज्यादा मान दिया गया है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में भी भगवान कार्तिकेय के वाहन है मोर, सरस्वती जी के संग जो कि विद्या की देवी हैं, उनके संग भी मोर को दिखाया जाता है, लक्ष्मी जी के संग भी मोर को दिखाया जाता है। और ये माना जाता है कि घर में मोर पंख रखने से सुख समृद्धि आती है, बहुत अच्छा रहता है घर में वातावरण भी, और सब तरह से सब काम बढ़िया होते हैं। तो मोर की तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ लोग मानते हैं कि मोर पंख घर में रख लो तो कीड़े नहीं आएंगे, कुछ लोग मानते हैं कि मोर पंख घर में रख लो तो चिपकली नहीं आएगी। ये सब अपनी अपनी मिथोलॉजिकल, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हम उसमें कोई बहस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जिसको जो अच्छा लगे। आई होप आप लोगों के पास पहुंच गई है फोटो। अब हम इसकी पेंटिंग शुरू करेंगे, और इसके लिए बस एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हमारा ब्रश बहुत ही बढ़िया हो, एकदम पतला पॉइंटेड ब्रश हो। ये मैं ब्रश यूज करने जा रही हूँ, ये दो हैं, एक 000, एक 00, देखती हूँ कौन सा ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि हर फोक आर्ट में होता है, पहले हमारी आउटलाइन ब्लैक कलर से बननी है। तो मैं ऊपर से शुरू करूंगी ताकि मेरा हाथ नीचे आता जाए और पेपर गंदा नहीं करूं मैं। पहले जमाने में राजा लोग अपने सिंहासन पे मोर जरूर बनवाते थे, क्योंकि मोर शो करता था कि वो कितना राजा अमीर है, और मोर में खूब सारे वो लोग रत्न भी जड़वाते थे, तरह तरह के स्टोन्स का काम होता था। तो मोर की बहुत इम्पोर्टेंस थी हर चीज में, मंदिरों में, डेटीज में, बहुत दीवारों पे मोर के डिजाइन बहुत तरह तरह के मिल जाएंगे आपको। स्पेशली साउथ में बहुत ज्यादा है मोर का डिजाइन, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को वहाँ बहुत मानते हैं और कहते हैं कि उनका वाहन जो है वो मोर है, तो इसलिए आप इसको काले रंग के अलावा किसी और रंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन आपको काली ही देनी है। चाहे आप किसी भी कलर की बैकग्राउंड करें, लाल, नीली, हल्की नीली, पीली, कुछ भी करें, आउटलाइन हमारी काली ही होनी है। कलमकारी के आर्टिस्ट हमारी तरह ये एक्रिलिक पेंट नहीं यूज करते हैं, वो लोग अपने कलर बनाते हैं, जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है काफी तरीके उनके जो हैं कलर बनाने के, बहुत यूनिक से नेचुरल
डाइस से बनाते हैं वो लोग सब चीजें, कहीं भी ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स का यूज नहीं है और वो लोग ऐसे ब्रश भी नहीं यूज करते हैं, उनके ब्रश अलग हैं, मैंने बना के भी दिखाया था आपको और आप लोग इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बांस की लकड़ी पे वो लोग पुराना कपड़ा या रुई बांध लेते हैं और उससे रंग टपकता है धीरे धीरे, उसको दबाने का एक तरीका होता है, उसी ढंग से उसको दबाया जाता है ताकि उतना ही अमाउंट कलर का निकले, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा कलर ना निकल आए। बहुत ही प्रिसीजन चाहिए उसमें, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका। ये कलाकार रामायण महाभारत गीता पुराण इन सब से कहानियां सुनाते थे और फिर वो लोग उसको पेंट करते जाते थे कहानी सुनाने के संग संग, और फिर वो पेंट करके वो पेंटिंग्स जो मंदिर होते थे आसपास में उनमें अर्पित कर दी जाती थी। अभी भी काफी कलाकार करते हैं ये, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा इनकम का सोर्स हो गया है और गवर्नमेंट भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है कि कलाकार अपना सामान बनाएं और बेचें। तो जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में और दिल्ली हाट वगैरह में और भी जगह जगह जो शहरों में मेले लगते हैं उनमें इन कलाकारों को, जैसे मधुबनी के कलाकारों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे श्री कला हस्ती के कलाकारों को और मछलीपट्टनम के कलाकारों को काफी सरकार सहयोग कर रही है ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 23 स्टेप्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि कलमकारी ऐसे ही बन जाएगी एक झटके में। कपड़ा पहले स्टार्च निकाला जाएगा उसका, फिर उसको गाय के या भैंस के या बकरी के दूध में उसको उबाला जाएगा अच्छी तरह, फिर धोया जाएगा, फिर कई लोग उसको ऑफ वाइट कलर नेचुरल कलर देने के लिए उसमें जो गोबर होता है उसको लपेट के उसका पेस्ट बनाते हैं और उसमें कपड़े को भिगो देते हैं एक दो दिन के लिए। अलग अलग गांव के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग कलाकारों के, या फिर उसमें उबाला जाता है और फिर उसका वो नेचुरल ऑफ वाइट सा कलर कपड़े पे आ जाता है। उसके बाद इसको डिजाइन करा जाता है, तो डिजाइन करने के लिए इमली की डंडियां ली जाती हैं और उन डंडियों को बहुत ही संभाल के चुना जाता है और वो जो भी चुनने जाता है वो फिर पूरे मतलब पूरे सीजन के लिए इकट्ठी कर लाते हैं वो लोग और उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उनको जलाया जाता है, पूरा नहीं जलाया जाता है, बस जमीन में गड्ढा खोद के उसके आसपास आंच लगा दी जाती है ताकि वो थोड़ी सी काली हो जाए। जब वो काली हो जाती हैं तब उनसे ये आधी काली सी मतलब पूरा जला देंगे तो पाउडर हो जाएगा वो लकड़ी का, आधी काली सी छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद फिर उन लकड़ियों को इकट्ठा करके रख लेते हैं कलाकार। और फिर ड्रॉइंग जो बनाई जाती है, जो हमने अभी पेंसिल से बनाई है, वो पेंसिल से नहीं बनाते, वो लोग उस लकड़ी से ड्रॉइंग बनाते हैं। जब वो ड्राइंग बन गई उसके बाद फिर उस पे पेंटिंग का काम शुरू होता है। जैसे उन्होंने एक कलर करा, नेचुरल कलर है सारे, कोई भी केमिकल्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, मतलब पिगमेंटेशन नहीं है। हर कलर के बाद उनको धोया जाता है, कपड़े को धोया जाएगा और इसीलिए बहुत लंबा प्रोसेस है। और जब एंड में जब कलर होके चीज निकलती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ही पक्के रंग होते हैं उनके। इसमें कलमकारी में नॉर्मली कलर कच्चा नहीं निकलता है, अगर अच्छी बनी हुई है चीज तो उसमें फिर बाद में उसमें एक तरह की कोटिंग भी कर दी जाती है ताकि कलर बिल्कुल ही ना निकले। तो बड़ा मेहनत वाला काम है, ये आसान काम नहीं है। और अब तो बहुत सारी पेंटिंग्स बन रही हैं, वॉल पैनल बन रहे हैं, शॉल बन रहे हैं, स्टोल बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जो कि कलाकारों के लिए अच्छा है। कलाकार के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनकी कला अगर लोग सराहा है, तारीफ करें उनके काम को, तो वही सबसे बड़ी कला होती है और कलाकार को बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोग जो बैंगलोर हैदराबाद में हैं, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि मछलीपट्टनम या श्री कला हस्ती होके आइए और वहाँ का काम देखिए, एक्चुअल काम देखिए और फिर मुझे फोटोज भेजिए, वीडियोज भेजिए, क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ आप लोगों से। मुझे तो एक सौभाग्य मिला कि एक कलाकार यहाँ आए थे, मैंने उनसे सीखा, वो यहाँ रहे थे काफी दिन, उन्होंने अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह सिखाया। ये भी चांस की बात है कि हम लकी थे।
ये हमारा मोर तैयार है। अब तो मैं पहले सबसे पहले मैं किनारे किनारे करूंगी इसके। तो देखिए इस तरीके से कलर आएगा हमारा, ऐसे करके हमको पूरे में कलर देना है, बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी से, ताकि हमारा कलर की लाइनें ना दिखे कहीं भी। किनारे पे बहुत धीरे से हाथ चलाना है ताकि लाइन पूरी हमारी सही आए आउटलाइन, क्योंकि हम बॉर्डर में अभी कलर ये येलो कलर नहीं दे रहे हैं। आवर पेंटिंग इज कम्प्लीट नाउ। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। Thanks for liking, subscribing and sharing the information about my YouTube channel Vandana's Art. Dhanyavaad. Namaste.